नमस्कार, हमारी खास विशेष हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और चलते हैं अब उन खबरों की ओर जो कि आज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। हमारे साथ यहां पर तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ की दीक्षित जी, साथ ही हमारे साथ यहां पर रविन्द्र व्यास जी और केशव पांडे जुड़ चुके हैं। तो आप तीनों ही पत्रकारों का पहले तो बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गीत जी, शुरुआत में आपसे ही करती हूं, अगर यहां पर प्रमुख 10 खबरों को देखा जाए अखबारों में तो कौन सी 10 सुर्खियां हैं आज? खबर जिला प्रमुखता से प्रकाशित हुई, कमलनाथ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीन मुद्दों पर ज्यादातर बातचीत करी है। उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था महंगाई, दूसरा पेगासस और तीसरा उनकी मध्यप्रदेश की राजनीति में स्थिरता। ये तीन विषयों को लेकर केंद्रित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको सभी अखबारों ने कवर दिया। लेकिन इसी में क्लब एडिशन किया गया है कि सांसद विष्णुदत्त शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां उनके ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस जो है देश को बांटने का काम करती है और ये भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। उसी के तहत अगर बात करें तो लगातार भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर है, ये खबरें टोटल क्लब करके बनाई गई हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक खबर और बता दूं, वो आज से जो है केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस नेतृत्व ने ऐलान किया है कि सभी राज्यों में अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पेगासस को लेकर और भाजपा को घेरने की तैयारी करेगी केंद्र सरकार को। कल से जो है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगेगी, ये खबर बड़ी प्रमुखता से सभी अखबारों में प्रकाशित हुई है। और ये एक तरह से उन महिलाओं के लिए, इसमें ये भी संकेत है कि उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी जो गर्भवती हैं। इसी के साथ एक खबर का जिक्र कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, ये खबर भी सिंगल कॉलम में लगभग सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर बनाई गई है। इसी के इतर अगर जाकर बात करेंगे तो कल जो है जिस तरह से मुलाकातों का दौर चला है उसको फोटो के जरिए बताया है कि जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री चेन्नई में जो है स्वास्थ्य मंत्री से मिले, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जो है उनकी भी मुलाकात का जिक्र छपा है। मोहन भागवत के एक बयान को लेकर बड़ी संजीदगी से अखबारों में जगह मिली है, उसको बताया गया है कि भागवत बोले सीए से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये खबर बड़ी प्रमुखता से सभी अखबारों में। कल से टोक्यो में ओलंपिक का आगाज होना है, इस खबर को खेल के पन्ने पर लगभग सभी अखबारों ने पूरा पेज पटा हुआ है खेल का पन्ना। इसी के साथ अगर जिक्र करेंगे थरूर की अध्यक्षता वाली समिति केंद्र से पूछेगी जासूसी हुई या नहीं हुई, ये दिल्ली से एक खबर है। एक खबर का और जिक्र कर देंगे कि आज से किसान जो है किसानों की संसद लगेगी जंतर मंतर पर, ये दो कॉलम खबर लगभग सभी अखबारों में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई अनन्या। इसी के साथ जो है एक सिंगल कॉलम खबर दी है कि मुख्यमंत्री आज जो है 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को जो है राशि ट्रांसफर करेंगे, ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। राज कुंद्रा के ऑफिस और उनके अन्य जगहों पर छापे मारे गए हैं, कुछ जब्तियां हुई हैं, ये खबर बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुई। भास्कर ने एक अलग स्टोरी दी है कि लगभग 1 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना के संक्रमण काल में। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर जो लगातार संसद में और सड़कों पर जो बयान और सब वार प्रतिवार चल रहा है, इसको अलग अलग अखबारों ने अलग अलग एंगल से हेडिंग को उठाया है, शीर्षक को उठाया है। जैसे अगर जिक्र करें तो शून्य का कफन, ये पत्रिका का हेडिंग है। तो वहीं जो है वैल्यू एडिशन के साथ जो है भास्कर ने अलग अलग एंगल से खबर उठाई है। सच, मध्यप्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से हुए 15 हादसों में 60 लोगों की मौत, केंद्र को बताया जीरो। ये इस तरह से खबरें जो है लगभग सेकंड फ्रंट पेज पे जगह बनाई गई है। इसी के साथ अगर बात कर लें पानी को लेकर जो है मौसम ने अलर्ट जारी किया है, 3 दिन मध्यप्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। इसी को लेकर अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी आज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। डॉक्टर केशव पांडे, आपके रुख कर लेते हैं यहाँ पर ग्वालियर संभल की अगर बात कर ली तो कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आज ग्वालियर संभल के अखबारों में हैं? ग्वालियर संभल संभाग की प्रमुख खबरों में रणवीर जो प्रमुख खबर है वो ग्वालियर को हेरिटेज सिटी बनाने का दर्जा निश्चित कर दिया गया है। और हेरिटेज में जो प्रमुख अपने उसके हॉर्टिकल वो अपने हिस्टोरिकल स्थान है उनके लिए 27-28 को ग्वालियर टीम आ रही है। इसके अलावा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक ज्यादा होगी संख्या संक्रमक लोगों की, ये आशंका व्यक्त की गई है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग लगा के 8-8 कॉलम में खबर छापी गई है। अगस्त में संक्रमण बढ़ेगा, सितंबर तक रोज मिलेंगे 10-100 मरीज, तीसरी लहर की तैयारी में लगा है तंत्र लेकिन सामंजस्य की रहेगी चुनौती,
ये खबर छापी गई है। बच्चों के लिए 40 बेड का पीडियाट्रिक्स में एक अलग से वार्ड बनाया गया है। कल जो है 34,950 लोगों को टीका लगेगा। 113 सेंटर्स पर ये स्लॉट बुकिंग करने वालों को लगाया जाएगा। थोड़ी सी राहत बारिश से ग्वालियर को मिली है। एक दिन का पानी सिगरा में बढ़ा है। किसानों को धान बोने की चिंता हो गई है और सता रही है कि पानी कम होने से धान पे संकट खड़ा हो जाएगा। महाराष्ट्र में बसों पर प्रतिबंध 28 तारीख तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने लगाया है, जो अभी आज 21 तारीख तक था इसको बढ़ा दिया है। और 1 अगस्त से ऑनलाइन लाइसेंसेस बनेंगे। ये मुकेश जैन जो आयुक्त है इसके ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने ये अखबारों के माध्यम से आज दिया है अपना बयान। शहर के घोसीपुरा इलाके में एक जंगली भेड़िया आ गया और उसने आतंक मचाया और 6 बकरियां और 1 पड़िया जो भैंस की थी वो उससे काल कलवित हो गई है, वो मर गई है। वन विभाग की टीम जांच करा रही है। ये शहर में इस तरह की पहली घटना हुई है। पहले इस तरह से कोई जंगली जानवर शहर में कभी आया नहीं है। मुरैना नगर निगम के अकाउंटेंट की खबर बहुत अखबारों में प्रमुखता से छपी है। संतोष शर्मा की, जिन्हें जो बड़े दबकुबे निकले हैं, बंगला गाड़ी, झुमके, बंगला, कंगना इत्यादि चीजें उनके यहाँ मिली है। और 35 साल की नौकरी में 1 करोड़ का वेतन उन्हें मिला था, लेकिन अभी प्रारंभिक जांच में 5 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। ये जानकारी लोकायुक्त के SP संजीव सिन्हा ने अखबारों को दी है। रिश्वत के पैसे को वो ब्याज पर भी चलाते थे, ये बताया गया है। पत्नी को तेजाब पिलाने वाले जो बड़ा एक कांड हुआ था, जो कल अखबारों में बहुत प्रमुखता से छापा था, उसमें जेठानी को और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली से और उनको जेल भेज दिया गया है। और TI और जो उसके IO थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ASI, उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है लेतलाली बरतने में। दहेज को लेकर नवविवाहिता के साथ ये एक शर्मनाक घटना डबरा में हुई थी, जिसमें उसको तेजाब पिलाने की बात कही गई थी। ईद उल जुहा पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई, लोग गले मिले और मुबारकबाद दी गई। इसके अलावा एक नर्सिंग कॉलेजों को लेकर एक बड़ी खबर अखबारों में छापी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है एक याचिका पर। याचिका में जस्टिस सील नागू और जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की जो संयुक्त पीठ है, युगल पीठ, उसने कहा है कि सरकार इसमें अपना पक्ष रखे। जो 63 कॉलेज चल रहे हैं, इनके पास अस्पताल क्यों नहीं है और इनको मान्यता कैसे मिली? ये एक एक कमरे में भी चलने वाले कॉलेज मिले हैं। इधर कार्गो विमान उतारने की तैयारी चल रही है। सिविल एविएशन के सिक्योरिटी टीम सर्वे करने आज ग्वालियर आ रही है। यह कार्रवाई 2008 से चल रही है, लेकिन अमली जामा नहीं पहन सकी है। डबरा में बंद शुगर मिल में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कमलनाथ सरकार ने प्रारंभ किया था, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये कार्गो सेवा ग्वालियर में अब जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय का जो एक प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, ये मध्य प्रदेश में एक अपना अनोखा तरह का विश्वविद्यालय बनेगा, जहां सरकार ने उसको मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। और अब अनुमति देने के साथ ही ये काम गति पकड़ेगा और एक नया मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया जाएगा। 3 दिसंबर 2020 को एक बेहोश करके युवती को बिहार का एक लड़का जो लेके भागा था, और भागने के बाद वो उसका पता नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही लड़की को मौका मिला है वो युवती छूट कर आई और उसने मुरार थाने में केस दर्ज कराया है। ये कॉलेज में पानी पीने गई थी और युवक ने उसको नशीला पदार्थ सुखाकर उसको उठा के ले गया था। इसके अलावा प्रमुख खबरों में ये दक्षिण एशिया के जो सर्वे के बाद यूनेस्को का ग्वालियर चुना गया है, ये प्रमुख खबर है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के कारण भी ये चुनाव होने में सफलता मिल रही है। यही प्रमुख खबरें हैं निंदे जी आज की। यहाँ पर रविंद्र जी आपका कर लेते हैं। अगर बुंदेलखंड खबरों को देखा जाए तो आज अखबारों में किस तरह का कवरेज जो है खबरों को दिया गया है बुंदेलखंड से? बुंदेलखंड में एक प्रमुख खबर छापी गई है BMC बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर, कि BMC में कोविड टीके को लेकर शोध किया गया है, जिसमें ये टीके के असर को जानकारी इकट्ठी की गई है। ICU में 11% मरीज घटे संक्रमित बुजुर्ग, पहली लहर में बुजुर्ग ज्यादा संक्रमित हुए थे, दूसरी लहर में युवाओं में ज्यादा संक्रमण फैला है। BMC के TB एंड चेस्ट रोग विभाग में कोविड की पहली
और दूसरी लहर को लेकर शोध दर शोध को मैं अगस्त 2020 से नवंबर 2020 यानी पहली लहर के पीक और अप्रैल 2021 से मई 2021 यानी दूसरी लहर के पीक में बीएमसी के आईसीयू में भर्ती हुए मरीजों का आयु वर्ग के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें सामने आया कि पहली लहर की अपेक्षा दूसरी लहर में आईसीयू में भर्ती युवाओं का प्रतिशत 110% ज्यादा था, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या दूसरी लहर में 11% कम थी। शोधकर्ता बीएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तलहा प्रसाद की माने तो दूसरी लहर में आईसीयू में युवाओं की संख्या बढ़ने और बुजुर्गों की संख्या कम होने का मुख्य कारण टीकाकरण रहा है। सागर में कल विदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के सफलतम 7 वर्षों में के कारण भारत विदेश नीति में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोलियम पदार्थों के कीमतों को लेकर एक बयान जारी किया और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल में कमी हो रही है, इसके बावजूद तेल के दाम नहीं घट रहे, अगर ये घटाए नहीं आते हैं तो उसके भी आंदोलन करेगी। पन्ना से कांग्रेस में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, पन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला गया है, इसको हेडलाइन पेपरों ने बनाया है, पन्ना कांग्रेस में बदलाव, महल से निकल जनता के बीच आई कांग्रेस, शारदा पाठक को बनाया जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, कमलनाथ समर्थक है, एक लंबे दशक के बाद कांग्रेस में पन्ना जिलाध्यक्ष आशीर्वाद बदल ही दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह समर्थक महल से बाहर का जिलाध्यक्ष देकर पन्ना में कांग्रेस संगठन को मजबूती देने का संकेत दिया है। चरवाहे को मारने के बाद भालू की भी मौत, इसको लेकर एक अफवाह भी फैली थी कि आदमखोर बाघ ने मार डाला है, वन विभाग ने कहा था कि नहीं भालू ने मारा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के गंगऊ अभ्यारण्य में भालू ने हमला कर एक चरवाहे की जान ले ली, घटना मंगलवार की है। देर शाम जब ये घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, देर रात नाले के पास जंगल में उसकी लाश मिली। घटना के दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को भालू की भी मौत हो गई। सागर में एक हैंडपंप से गैस निकलने और आग लगने की घटना सामने आई है। जिले के ग्राम जगधर में 10 साल पुराने हैंडपंप में जब गैस की गंध आई तो लोगों ने तीलियां फेंक माचिस की तीली फेंकी जिससे उसमें आग लग गई। ये देखते ही वहां आसपास गांव वालों की भीड़ लग गई। न्यायालय परिसर में भरा पानी, गाड़ियों के सहारे निकले न्यायाधीश। सागर जिले के रैली में मामूली सी बारिश के बाद न्यायालय परिसर में पानी भर गया। पानी इतनी अधिक मात्रा में भरा कि अधिवक्ताओं और पक्षकारों के अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी परिसर से निकलने के लिए गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। सागर में राहत की बारिश, 24 घंटे में जिले में 10 इंच से ज्यादा बारिश, मालथौन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, सागर शहर में सबसे कम। इसके अलावा दमोह में 24 घंटे में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, फिर भी पारा बढ़कर 21 डिग्री पर है और अभी भी पिछले साल की तुलना में 3.4 इंच बारिश कम है। घनी बस्ती में चल रहा था गैस रिफिलिंग का अवैध सेंटर। सागर के कुरई रोड स्थित अमावानी गांव की घनी बस्ती के बीच ऑटो वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग का सेंटर पकड़ा गया है। पुलिस की और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 2 स्थानों से 48 भरे सिलेंडर व गैस रिफिलिंग के उपकरण जब्त किए गए हैं। सड़क हादसा में बहुरिया थाने के पास बस व ट्रक की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। शिक्षा विभाग की पढ़ाई शुरू हो गई, अब छात्रों की फोटो खींच कर जियो टैगिंग करेंगे शिक्षक। सागर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 15 महीने पहले समाप्त हो चुका है। संघ का कार्यकाल हाईकोर्ट की गठित पीसी तदर्थ कमेटी वो उसकी देखरेख में अगस्त में ये चुनाव होंगे। ऑनलाइन एडमिशन कॉलेज जाए बगैर होगा एडमिशन, 1 सितंबर से कक्षाएं लगेंगी। माता पिता की मौत के बाद भी नहीं मिला बच्चों को सहारा, 80 साल की दादी के भरोसे खपरेल मकान में रह रहे मासूम
छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दुपुरा में एक भाई और तीन बहने दीनहीन है, किंतु इसके लिए भी असल दीन बंधु अभी तक कोई नहीं मिला है। बच्चों को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया, इन बच्चों को आज भी ग्रामीणों के रहने पर रहना पड़ रहा है। छतरपुर जिला अव्वल पांच में शामिल, छतरपुर कलेक्टर के निर्देशन में छतरपुर जिले ने सीएम हेल्पलाइन योजना में जून माह में प्राप्त शिकायती आवेदनों का संतुष्टिपूर्वक हल करने से हुए प्रदेश के अव्वल पांच जिलों में स्थान हासिल किया है। और इसी तरह छतरपुर की पुलिस प्रदेश के अव्वल तीन में शामिल हुई है। जिलेवार ग्रेडिंग में छतरपुर पुलिस विभाग ने जून माह में प्राप्त शिकायतों का समाधान पूर्वक वो किया है, जिसके कारण उसको तीसरा स्थान मिला है। जी ये थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है हमारे पास। रवि भैया जी, दिग्विजय जी और केशव पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो थैंक यू। तो ब्रेक के बाद चलते हैं खबरों की ओर, बात करते हैं अखबारों की उन सुर्खियों की जो आज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं, और उन्होंने कई सारे जो हैं अखबारों में अपना स्थान लिया है। यहाँ पर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ महाकौशल से पंकज पटेल जुड़ चुके हैं, तो वहीं बिंदु जी हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही पत्रकारों का बहुत स्वागत है। पंकज पटेल जी, रुक मैं आपको करती हूँ, अगर यहाँ पर महाकौशल की खबरों को देखा जाए तो आज अखबारों में किस तरह की खबरें हैं? जी महाकौशल, एक बार फिर कोरोना थमने की और वैक्सीनेशन न होने की खबरें सभी अखबारों में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तब से लोग वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन वैक्सीन न मिलने के कारण टीका जो है नहीं लग पा रहा लोगों को, ये सभी अखबारों में खबर है। और सबसे बड़ी बात ये, कल से गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा, ये खबर है। इस खबर के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना थमने के साथ डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं, ये भी एक चिंता का वजह है, क्योंकि डेंगू बहुत तेजी से फैलता है और ये भी बिल्कुल जानलेवा बीमारी है। इस खबर को सभी अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है, जबलपुर में डेंगू के मरीज मिले हैं। दूसरा, बारिश को लेकर जो खबर है, महाकौशल, सभी जिलों में बारिश तो हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन जहां भी बारिश हुई है वहां पर किसानों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि फसलें सूख रही थी। दूसरा, इसमें एक खबर ये जो होकर आती है कि कटनी में एक करोड़ों की लागत से बना पुल था, वो लगातार बारिश होने से, और ये लमतरा का ब्रिज है, ये फिर से धसक गया। इसी में एक और खबर है कि छिंदवाड़ा में पुल पर सुपर पानी था और पकननाथ के जो बेटे हैं सांसद नकुलनाथ, उनका काफिला जा रहा था, उसमें एक कार फंस गई। उस कार में जो राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है एस सी आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे, इनकी कार फंस गई, जिसकी बड़ी फोटो के साथ अखबार आती है। एक खबर हमारे यहाँ से मंडला जिले से, आदिवासी जिला है, यहाँ पर जो खबर है, हालांकि अंदर प्ले हुई है, अंदर के पन्ने में छपी है भास्कर में, इस पत्रिका में छापा है इसमें, 21वीं सदी का मध्य प्रदेश खटिया पर 5-6 किलोमीटर मरीज के आगे उसकी फोटो है। उस खबर को बहुत अच्छे छापा जा सकता, बड़ी अंदर प्ले खबर, लेकिन खबर महत्वपूर्ण है। दूसरा, किसानों से जुड़ी हुई एक खबर है कि जो मूंग और उड़द की तेजी चल रही है उसमें किसानों को SMS नहीं मिल रहे हैं, ये खबर भी अखबारों में छपी है। जी अशोक शुक्ला जी, आपका रुख कर लेते हैं, अगर बिंदु को देखा जाए तो बिंदु के अखबारों में आज कौन सी खबरें हैं और किस तरह की खबरें हैं? बिंदु, प्रदेश के अखबारों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ऑक्सीजन की कमी की चलते हुई जो मौतें हैं उसको लेकर एक जो दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में या देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत नहीं। वहीं दो प्रमुख अखबारों ने आंकड़ों के साथ ये बताया है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ये बिंदु प्रदेश का इलाका है, शहडोल संभाग है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में तारीखें भी दी हैं अखबारों ने कि किन किन तारीखों में कितने लोगों की मौतें हुई। हालांकि आंकड़ों में लेकर थोड़ा सा अंतर है कुछ और भास्कर में, लेकिन एक दावा अखबारों ने किया है कि ऑक्सीजन के न रहने के कारण कुछ मरीजों की मौत हो गई है। दूसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के तीन जिले जो है सूखे का सामना कर रहे हैं, अल्पवर्षा की स्थिति है, फसलें सूख रही हैं, और एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। ये सतना जिले के कोटा का मामला है, अब इसकी जांच की जा रही है, इसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो देखी जा रही है। शेडोल की खबर में आपको बता दूं, सोन की सहायक नदियों में दूषित पानी बहाए जाने की भी खबर जो है भाजपा ने प्रमुखता से दी है। और कल जो है भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने अटल कुंज में रीवा का मामला है, रीवा में एक बैठक ली है और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विपक्षी दल जो है जनता के बीच में जाकर भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर करें। और
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रीवा का, जिसकी 5 किस्तें बंद हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस तरह की अव्यवस्था का आलम है, ये रीवा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के पैनल बंद थे और सीलिंग जो छत की वो गिर रही थी। घटिया निर्माण की अभी एक चर्चा जो है कि खुलकर जिस एरिया जिक्र है उसी तरह के हालात यहाँ पे सतना जिला हॉस्पिटल के हैं, इसको लेकर भी कुछ खबरें हुई हैं। राम लल्लू वैस हैं, ये सिंगरौली में के विधायक हैं। इन्होंने बच्चों के प्रवेश में एक भारी अनियमितता की बात कही है और ये कहा है कि जो दोषी हैं, जो यूनिफॉर्म बच्चों को मिलती है उसका जो पैसा होता है, जो लोग खा गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यही कुछ खबरें हैं जी। तो बिल्कुल यहाँ पर पंकज पटेल जी, अशोक शुक्ला जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। तो यहाँ पर तमाम खबरें हमने जानी, वहां कौशल जुड़ी हुई, साथ ही बिंदु जुड़ी हुई। तो हमारी खास पेशकश रिसेट लाइन्स में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।